अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अमेज़न ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। सबसे पहले मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता चलूँ ड्रॉप शिपिंग के हवाले से कि ड्रॉप शिपिंग क्या होती है। लेट सपोज कोई ए ब्रांड है, उसकी मैंने प्रोडक्ट किसी कस्टमर को सेल कर दी अपना प्रॉफिट मार्जिन रखते हुए। उस प्रोडक्ट की प्राइस अगर $100 थी और मैंने वो कस्टमर को वो प्रोडक्ट सेल कर दी $150 में, तो मेरा प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ? $50। ठीक है, अब मेरी कोई अपनी कोई पर्सनल प्रोडक्ट नहीं है, मेरा कोई अपना ब्रांड नहीं है, मेरा कोई मेरी कोई अपनी प्रोडक्ट नहीं है और ना ही मैं किसी प्रोडक्ट का ओनर हूँ। मैंने बस क्या किया, यहाँ से प्रोडक्ट उठाई और इस कस्टमर को सेल कर दी अपना प्रॉफिट मार्जिन ला के। कस्टमर आएगा मेरे पास, ठीक है, मेरी वेबसाइट हो गई या मैं किसी प्लेटफॉर्म पर अगर ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ, कस्टमर मेरे पास आएगा, मैं क्या करूँगा, इस ब्रांड की ए ब्रांड की प्रोडक्ट जो होगी उसको अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के, इस ए ब्रांड की प्रोडक्ट है $100 और मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन रख के इस कस्टमर को सेल कर दूंगा। ये जब कस्टमर मेरे पास आएगा अपना, तो मेरे पास इसकी शिपमेंट एड्रेस आ जाएगा, तो मैं क्या करूँगा, इस ए ब्रांड को कहूँगा कि आप इस एड्रेस पर आप शिप कर दो। तो वो प्रोडक्ट क्या करेगी, ब्रांड क्या करेगा, वो कस्टमर को प्रोडक्ट शिप कर देगा और मुझे क्या मिलेगा, मुझे प्रॉफिट मिलेगा। इसको आप कहते हैं ड्रॉप शिपिंग। अब ड्रॉप शिपिंग क्या, आप अमेज़न पर भी कर सकते हैं और आप शॉपिफाई पर भी कर सकते हैं और आप अपनी कस्टमाइज वेबसाइट बनाकर भी आप कोई प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी ब्रांड की या किसी भी आप देखें या जो प्रोडक्ट रिसर्च करें, कोई प्रोडक्ट अगर आपको लो कॉस्ट में मिल रही है तो आप उसको अपने कंपेटिटर को सर्च करें और उन कंपेटिटर से आप थोड़ी सी कीमत कम रखकर, प्राइस कम रखकर आप सेल करते हैं। इसको आप क्या नाम दे देते हैं, ड्रॉप शिपिंग। अब मैं आपका एक और पॉइंट क्लियर करता चलूँ। कुछ लोग कहते होंगे कि ड्रॉप शिपिंग पर तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ड्रॉप शिपिंग पर भी इन्वेस्टमेंट लगती है ऑब्वियसली। अगर आप अमेज़न ड्रॉप शिपिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने क्या किया, किसी वेबसाइट से आपने लो कॉस्ट में प्रोडक्ट देखी और अमेज़न पर आपने प्रोडक्ट क्या की, आपने रजिस्टर कर ली हाई प्राइस में। ठीक है, अब कस्टमर क्या कहाँ पर आएगा, अमेज़न पर आएगा और वो अमेज़न पर प्रोडक्ट ऑर्डर करेगा और अमेज़न की ये रिक्वायरमेंट है आफ्टर 10 डेज बाद वो जो ऑर्डर आया होता है उसकी पेमेंट वो रिलीज करते हैं। तो आपको तो इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत हो गई क्योंकि कस्टमर ने तो आपको ऑर्डर कर लिया। अब आपके पास ऑर्डर आ गया तो आप क्या करोगे, अब आपके पास इन्वेस्टमेंट होगी तो आप उस वेबसाइट जहाँ से वो लो कॉस्ट में प्रोडक्ट मिल रही है तो आप क्या करोगे, उस प्रोडक्ट को आप ऑर्डर करोगे और आप क्या कहोगे, इस एड्रेस पर आप प्रोडक्ट डिलीवर कर दो तो कस्टमर को वो प्रोडक्ट रिसीव हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको फ़िलहाल अमेज़न ड्रॉप शिपिंग का कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।